अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर इसरार। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट मैच की जो कराची में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और लंच ब्रेक तक 119 रन बना लिए और उसकी कोई विकेट नहीं गिरी। टॉम लेथम 67 पे नॉट आउट खेल रहे हैं और डेविड कॉनवे 51 रन बनाए हैं, वो भी नॉट आउट हैं। पाकिस्तान टीम को कोई विकेट नहीं मिल सकी अभी तक। नसीम शाह को मौका मिला है इस मैच में और हसन अली को मौका मिला है और पाकिस्तान टीम को इस टाइम एक भी विकेट नहीं मिली और न्यूजीलैंड ने अच्छे रन रेट के साथ लंच ब्रेक तक स्कोर को आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान टीम को चाहिए आज जल्द से जल्द अगले सेशन में 1 से 2 विकेट ले, जिससे पाकिस्तान टीम पे प्रेशर कम हो। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान की टीम अंडर प्रेशर होगी, कोई विकेट नहीं मिली पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में भी गलतियां थी, जिसमें 3 फास्ट बॉलर को मौका दिया और कराची जैसी पिच पे 3 फास्ट बॉलर को मौका देना। और पाकिस्तान टीम के पास एक ही अभी स्पिनर है, वो इब्रार अहमद है और दूसरा स्पिनर आगा सलमान है। रेगुलर स्पिनर ही कोई नहीं पाकिस्तान टीम के पास। ये पाकिस्तान टीम की सबसे बड़ी गलती है और इससे पहले भी पाकिस्तान टीम ने गलतियां की, जिसकी वजह से